Hi everyone and welcome to my channel. So आज का video होगा how to groom your eyebrows at home. Now you can see कि मेरे eyebrows इतने ज़्यादा groom बिल्कुल भी नहीं है and मुझे एक makeup tutorial shoot करना film करना था and I saw my eyebrows are not at all groomed and मुझे parlour जाने का बिल्कुल time नहीं है. तो most of the times तो I go to the parlour but then जब मेरे पास actually time नहीं होता parlour जाने के लिए I do it at home and मैंने कहीं से सीखा नहीं है like अपने आप ही सीखा है किसी ने मुझे सिखाया नहीं है तो it is kind of like no practice makes man perfect उस तरीके का situation है. तो अगर आप 5-6 बार करोगे तो आपको आ जाएगा. So there are a few things that you need: a pair of scissors and thread. Now thread अगर आप ले रहे हो जरूरी नहीं है कि आपको threading वाला thread ही चाहिए but whatever thread you are taking make sure कि वो इतना ज़्यादा sharp ना हो कि आपका जो skin है वो कट जाए. Threads can be sharp as well. तो मैंने ये वाला लिया है. इससे पहले भी मैंने थ्रेडिंग किया है सो आई नो दैट दिस वर्क्स फाइन. एंड देन यू नीड अ फोर्सेप या फिर एक ट्वीज़र टू लाइक यू नो पुल आउट द हेयर जो बहुत ही ज़्यादा छोटा है. एंड देन दिस इज़ ऑप्शनल. ये मेरे पास है इसलिए मैं यूज़ कर रही हूँ वरना यू कैन यूज़ योर फिंगर एज वेल. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. मैंने कैमरा थोड़ा सा क्लोज लाया है एंड फॉरगिव मी आई एम नॉट वेयरिंग एनी काइंड ऑफ मेकअप. आई एम जस्ट वेयरिंग लिपस्टिक. तो ये वाले से मैं थोड़ा सा ब्रश अप करूँगी इस तरीके से ताकि जो एक्सेस हेयर है वो थोड़ा सा लाइक यू नो स्टैंड आउट हो. तो इस तरीके से मुझे ब्रश आउट करना है एंड ये जो कुछ भी एक्सेस हेयर दिख रहा है वो मुझे कट करना है. सो आई जस्ट टेक अ सीजर एंड कट इट वेरी केयरफुली. एकदम छोटा नहीं करूँगी बिकॉज इट्स आईब्राउज एंड आईब्राउज के बाल ग्रो होने में थोड़ा टाइम लगता है. सो इस तरीके से एंड देन आई कट ऑफ द एक्सेस हेयर. एंड ये वाला जो फ्रंट का पोर्शन है आई ब्रश इट इवन मोर. एंड उसके बाद मैं इसको इस तरीके से नहीं कट करती हूँ. आई जस्ट कट इट लाइक दिस लाइक आई शो इट टू यू राइट नाउ. इस तरीके से बट वॉट एवर ये मेरे खुद के प्रैक्टिस से मुझे पता चला है कि मुझे ये करना ईजी है. बट देन यू कैन कट इट द वे यू वॉन्ट द वे यू आर कम्फर्टेबल विथ. तो जितना भी हेयर है एक्सेस में उसे मैं इस तरीके से कट कर लूँगी एंड उसके बाद एक और बार ब्रश कर लूँगी. तो यू कैन सी कि यहाँ पे भी थोड़ा सा यू नो एक्सेस में हेयर है. तो यहाँ पे ज़्यादा मैं कट नहीं करती हूँ लाइक आर्च ऑफ द आईब्राउज बट आई कट इट अ लिटिल ताकि थोड़ा मैनेजेबल लगे. आई डू द सेम टू द अदर साइड एज वेल. एंड ये वाला जो साइड है सिंस मैं राइटी हूँ तो ये हमेशा लाइक यू नो इट्स जस्ट बीन डिफिकल्ट ऑल द टाइम टू डू इट दिस साइड. बट वॉट एवर इट इज़ इस साइड के बालों के साथ लाइक आईब्राउ के साथ मैं इतना ज़्यादा रिस्क नहीं लेती हूँ. जितना कटता है उतना मैं काट लेती हूँ बिकॉज ऑफकोर्स आई एम नॉट अ प्रोफेशनल इन डूइंग दिस. सो मोस्टली तो यू नो आई रियली रियली डोंट टेक अ रिस्क. आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने ज़्यादा काटा है बट यहाँ पे मैं कम थोड़ा सा कम काट रही हूँ बिकॉज मेरा लाइक यू नो आई कैन नॉट आई जस्ट ट्राई बट देन मोस्टली नहीं होता है. तो आई जस्ट लीव इट एट दैट. ओके सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक कि मैंने जो एक्सेस हेयर है निकाल लिया है. यहाँ पे थोड़ा सा बचा है तो अब बारी है ये थ्रेड यूज करने की. नाउ व्हाट यू हैव टू डू विद दिस थ्रेड इज आपको थोड़ा सा ऐसा थ्रेड लेना है एंड देन कट इट. और उसके बाद यू हैव टू फॉर्म एन एट विद दिस लाइक यू हैव टू जस्ट टेक द एंड्स को इस तरीके से लेना है साथ में ऐसे रखना है एंड देन यू हैव टू टाई अ नॉट. एक नॉट बांधना है इस तरीके से या जिस भी तरीके से यू आर कंफर्टेबल विद द नॉट इस तरीके से ताकि एकदम सिक्योर हो जाए. तो आप देख लो कि आपको ऐसे एक सर्कल मिल जाएगा इस तरीके. ओपन हो गया ठीक है. तो आपको सर्कल मिल जाएगा. सो दिस इज़ द सर्कल एंड देन आपको क्या करना है आपको इस तरीके से इसे लेना है एंड देन यू विल हैव टू स्टार्ट ट्विस्टिंग इट इस तरीके से. ये हाथ कॉन्स्टेंट रखना है एंड बस ये हाथ को ट्विस्ट करते रहना है एंड दिस इज हाउ यू हैव टू ट्विस्ट इट. एंड ये आपको लाइक 30 to 40 टाइम्स ट्विस्ट करना है
इस तरीके से. सो दिस इज द फॉर्मेशन दैट यू विल गेट. एंड फिर आपको क्या करना है, यू आपको यहाँ पे आपके जितना भी लाइक यू नो हेयर है वो आपको फंसाना है. आई शो इट टू यू. इट माइट सीम अ लिटिल डिफिकल्ट एट फर्स्ट, बट ये इतना ज़्यादा डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं है. तो यहाँ पे मेरा एक्सेस हेयर है. आई डोंट नो वेदर द फ्रंट कैमरा इज पिकिंग इट अप और नॉट, बट देन यहाँ पे मेरा थोड़ा सा एक्सेस हेयर है. तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे मैंने जैसे कि बाल फंसा लिया एंड देन ये मुझे इस तरीके से यू नो यू कैन गेट इट व्हाट आई एम डूइंग इस तरीके से. तो ये वाला जो लेफ्ट हैंड है ये हमेशा कॉन्स्टेंट ही रहेगा. इस हाथ को आपने बिल्कुल भी नहीं हिलाना है. जो आपका राइट हैंड है बस उसी को इस तरीके से ना ये मोशन करना है. तो दिस मोशन विल लाइक प्लक आउट ऑल योर हेयर इस तरीके से. इस हाथ को आपने कॉन्स्टेंट रखना है एंड बस इसी को इस तरीके से हिलाना है. एंड सो यहाँ पे जब यहाँ के हेयर की बारी हो तो मेक श्योर दैट आपको एक दो दिन का प्रैक्टिस लगे एंड उसी के बाद आप यहाँ पे ट्राई करो. बिकॉज इट कैन बी अ लिटिल रिस्की ओवर हियर, क्योंकि अगर आप यहाँ के बाल निकालने गए एंड देन यहाँ और यहाँ के बाल निकल गए तो इट विल लुक अ लिटिल वियर. तो मेक श्योर दैट आपको थोड़ा बहुत प्रैक्टिस हो इस चीज़ का. आप एक दो बार ट्राई करें आपके यू नो खुद के आईब्राउज पे यहाँ पे एंड यहाँ पे. दैट इज़ हाउ आई लर्नड. तो मैं यहाँ पे आपको निकाल के दिखाऊंगी. नाउ आई डोंट हैव अ मिरर टू कीप इट कीप एनी वेयर, तो इसीलिए मैं फ्रंट कैमरा से रिकॉर्ड कर रही हूँ. तो मैं फ्रंट कैमरा में ही देखूंगी. तो एंड जितना मुझसे होता है उतना ही मैं निकालती हूँ, वरना मैं बाकी का प्लकर के साथ ही निकालती हूँ. ओके, सो दैट इज़ द मैक्सिमम हेयर जो मैं निकालती हूँ. बहुत कम, बिकॉज मुझे उतना ही आता है. एंड देन वील जस्ट टेक अ प्लकर और अ फोर्सेप एंड जितना भी बचा हुआ हेयर है वो मैं उसे निकाल दूंगी. सो आप देख सकते हो कि मैंने काफ़ी ज़्यादा लाइक मेरे आईब्राउज़ की ग्रूमिंग कर ली है. काफ़ी ज़्यादा हेयर मैंने एक्सट्रैक्ट कर लिया है एंड अब मेरे आईब्राउज़ पहले से ज़्यादा मैनेजेबल लग रहे हैं. सो ये बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट प्रोसेस नहीं है. दिस इज़ वन थिंग दैट एवरी गर्ल शुड नो, क्योंकि इमरजेंसी के लिए अगर आप पार्लर नहीं भाग सकते हो, इट इज़ बेटर लाइक अनमैनेजेबल आईब्राउज से यू डू अ लिटिल लाइक नो यू मैनेज इट अ लिटिल एट होम. तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर एवरी वुमेन और एवरी गर्ल टू नो हाउ टू ग्रूम योर आईब्राउज एंड अपर लिप्स एट होम. एंड दो तीन बारी की प्रैक्टिस से आराम से आपको आ जाएगा. मैंने ज़्यादा कुछ भी नहीं किया है एज कम्पेयर टू द पार्लर, तो उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है. बट देन इट इज़ एब्सोल्यूटली मैनेजेबल. किसी को ये नहीं लगेगा कि माई आईब्राउज आर नॉट मैनेजेबल. दैट इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो. आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो. इफ यस, like, comment, share and subscribe, and please follow me on my Instagram. The link will be in the description box. Thank you so much for watching this video.